गणेशोत्सवात बाप्पाचे घरबसा दर्शन घेण्याची व आरतीचा लाभ घेण्याची भाविकांना सुवर्ण संधी. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ सेक्टर 17 वाशीच्या नवसाव्या पावणाऱ्या महाराजाच्या आरती सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण पहा रोज रात्री 9 वाजता फक्त नवी मुंबई आवाजवर. आयोजक संस्थापक अध्यक्ष संपत शेवाळे. Thank you.
समासाशी सद्गुरु ज्ञानेश्वराशी ओम यज्ञेन यज्ञमयेन देवाः सांगर्माणि प्रमाण्यासन्न देवनागम महिमान सृजन्त यत्र पूर्वे साक्षा संग्रेवाः ओम राजाधिराजाय प्रसन्न सारिणे नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज महाधिपत्यम वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम यानि कानि च पापानि धर्मान्तरभूतानि च तानि तृष्णन्ति सुदक्षिणां पदे पदे आवाहनन्त जानामि न जानामि तवार्जनम् पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं भियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं दरस्तु मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि पुत्रां देहि धनं देहि सर्वकामान् च देहि मे यस्य स्मृत्याचरणामोऽप्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्ण राजाके सत्यो वन्दे तमचरं बोलापुण्डलिकावरहारुट चैतन्य रूपा आरंभ स्वरूपा चैतन्य रूपा आरंभ स्वरूपा बुद्धि बड़ा मार्ग दीपा दुख हर का सौख्य कारका ओंकारा तू गज रूपा दैन्य संपवा सौख्य नांदवा गौरी हरा शंभु सुता ताप शमवा मोहा पांगवा देवा दीनाचा नाथा रक्षिण्याता उठावे सत्वर गणेशा श्रेष्ठ स्वरूपा रक्षिण्याता उठावे सत्वर गणेशा श्रेष्ठ स्वरूपा दुख हर का सौख्य कारका ओंकारा तू गज रूपा अस्त्र जाणता शस्त्र धारका सर्पाची कंठी माला शस्त्र जाणता नर्तन संगीत पाई तव घुंगूर वाला नैवेद्य अर्पू दुर्वा मोदक स्वीकारारती दीपा नैवेद्य अर्पू दुर्वा मोदक स्वीकारारती दीपा
दुख हर का सौख्य कर का ओंकारा तु गज रूपा सेक्टर 17 के गणेशोत्सव की तो धूम सालों साल से है। आज नई जगह पर इसका आयोजन किया गया है, पर धूम में कोई कमी नहीं दिखाई दे रहा। जैसे अभी हमने देखा, आरती भी बहुत ज़बरदस्त शुरू हुई है। इसके जो पूरे कर्ता धर्ता हैं, जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं इस मंडल के, सेक्टर 17 वाशी का जो ये गणेशोत्सव है, उसके फॉर्मर कॉरपोरेटर, फॉर्मर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन संपत शिवाली साहब हैं, जो कि हमारे साथ में आज यहाँ मौजूद हैं। शिवाली साहब, बहुत ज़बरदस्त शुरुआत फिर एक बार। सर, तो ये गणेश उत्सव मंडल का स्थापना 1985 से हुआ है और आज 30 साल कंप्लीट होके 31वां साल में पदार्पण कर रहा है। इस साल में ये गणेश उत्सव मंडल राजमाता चौक में पहले साजरा कर रहे थे हम लोग, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश का पालन करने के, मुंबई महापालिका आयुक्त, मुंबई महापालिका पुलिस आयुक्त और मुंबई का जनते का आदर करके एक गणेश उत्सव मंडल ने देशभक्त बाबू गेनू क्रीडांगण में साजरा करने के लिए हमने निर्णय लिया और ये 10 दिन में इतना अच्छा डेकोरेशन हमने बनाया है। शैला साहब, शिफ्टिंग तो हुई है बट मेरे ख्याल से और ज़्यादा अच्छा हो गया है कि आप और अच्छे तरीके से गणेश उत्सव को मना पा रहे हैं। देखो, हर साल में एक गणेश उत्सव मंडल अलग अलग डेकोरेशन करके पूरा नवम्बर का एक आदर सामने रख के हमने अच्छा, कितना और अच्छा कैसा बना सकेगा, इसका मैं कम से कम 6 महीना सोचता हूँ। और इसीलिए ये टाइम में जो हमने अच्छा बना के, मुझे गेट अच्छा बनाया, लाइटिंग अच्छा किया, ये अंदर का जो डेकोरेशन आपने देखा होगा, इसको नाम दिया है हम लोगों ने मूषक महल, क्योंकि गणपति का वाहन जो रहता है वो मूषक रहता है और ये मूषक ने महल बना के अपने बप्पा के लिए ये महल बनाया। आपने देखा होगा कि मूषक के पीछे ऐसा पिलर खड़ा किया हम लोगों ने, वो पिलर, वो मूषक उसका वेट है, वो मूषक ले रहा है और ऐसी तरह से हमने ये महल बनाया है। और यहाँ से आगे भी भगवान ने ये मंडल को ताकत देगा तो और अच्छा हम करने का सोच। शिवला साहब, आपके यहाँ पे जो गणपति बिठाते हैं, काफ़ी श्रद्धा से लोग आते हैं और कहा जाता है कि बहुत मन्नतें पूरी होती हैं, उसके बारे में बताइए। देखो, अब 5-6 साल हो गया ये गणपति का, जिस जिस भक्त लोगों ने मंगत मांगी है वो पूरा किया है। आपने देखा होगा कि 4 साल के पहले जो कम से कम 6.5 लाख रुपये का जो गणपति को मुकुट डाला है, उसके बाद में एक आदमी ने जो पाव डाला है वो भी 3.5 लाख रुपए का पाव है, हार जो डाला है वो हार भी बहुत भारी कीमती से हार है, ये सब हाथ जो है वो भी अर्पण किया है। और इस साल में जो मुकुट जो है गणपति का, उसके पीछे जो उसको प्रभाव बोलता है वो प्रभाव आज प्रेजेंट दिया है। ये सब जो है ये सिल्वर और गोल्ड इसमें से बनाया है। इसका कीमत अभी जो सिल्वर का और सोने का, गोल्ड का, जो प्रभाव का कीमत कितना है, ये हाथ का कीमत कितना है, पाव का कीमत कितना है, हार का कीमत कितना है या मुकुट का कीमत कितना है, ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन लोग बोलता है कि हमारा मंगत पूरा हुआ है इसीलिए हम ये डाल रहा है। शिवला साहब, आपका जो गणेश उत्सव मनाया जाता है वो नवी मुंबई के सबसे प्रेस्टिजियस एरिया सेक्टर 17, जो कमर्शियल कैपिटल माना जाता है नवी मुंबई का, वहाँ पर मनाया जाता है। रेजिडेंशियल है, कमर्शियल भी बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस तरह से तादाद में पब्लिक आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, क्या खींच कर लाती है आपके इस गणेश उत्सव पर? देखो, ये सेक्टर 17 सर्वधर्म समभाव से है, देश में हर एक कोने का फैमिली इधर रहती है और पूरा नवी मुंबई का लोग क्यों आता है
ये तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ से कौन से भी जगह, वो राजमाता चौक में मैं गणेश उत्सव साजरा करता था, उधर का मूर्ति, और इस साल में 3100 साल में ये देशभक्त बाबू गेनू क्रीडांगण के क्रीडांगण में हम गणेश उत्सव साजरा कर रहा हूँ, और आज का भी यही मूर्ति, ये मूर्ति जिधर हम बिठाएगा वो श्रद्धा से बिठाता है। सेक्टर 17 के लोग बहुत श्रद्धा से यहाँ से आता है, व्यापारी लोग आता है, हर एक धर्म का, जात धर्म का, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी लोग यहाँ से आके गणपति का दर्शन लेते हैं और अपना नतमस्तक करके, अब देखता होगा कि हर एक आदमी भक्त अपना हाथ जोड़ के गणपति के पाँव पकड़ता है या श्रद्धा से बात कर रहा है कि कुछ ना कुछ हमको दे दो। इसलिए मैं ये जो बहुत धूमधाम से गणपति का गणेश उत्सव बन रहा है वो पूरा इसका क्रेडिट है नवंबर का जनते का। शिवालय साहब, जैसे कि आपने कहा यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं और मन्नतें मांग रहे हैं, आप इस बार क्या मांग रहे हैं? मैं तो महाराष्ट्र में बहुत दुष्काल पड़ा है, मैं गणपति की चरण प्रार्थना करता हूँ कि सभी जगह महाराष्ट्र में बारिश आना चाहिए और पूरा नवंबर का जनते का सुख होना चाहिए। जब भी कभी दुख आता है, विघ्न आता है, हर एक काम में किसी को विघ्न आता है, वो दूर होना चाहिए और नवंबर के जनते का सुखी रखना चाहिए। शिवालय साहब, बहुत ज़ोरदार शानदार आप सेलिब्रेशन तो कर रहे हैं पर एक सोशल कार्य में भी आप काफ़ी आगे रहते हैं, तो मंडल की तरफ से क्या सोशल कार्य किया जाएगा? अभी हमने ये टाइम में सोचा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर किया है, मुझे बोला है कि हर एक मंडल ने अपने पानी के बारे में कुछ फंड देना चाहिए। ये टाइम ने हमने 151,000 का फंड जो है चेक वो मैं देने वाला हूँ। बहुत शुक्रिया शिवालय साहब, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो गणेश उत्सव की ज़ोरदार शुरुआत हो गई है सेक्टर 17 के इस पंडाल में भी, डीओटीज लगातार आते जा रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, हर रोज़ हम यहां से लाइव आरती का प्रसारण करेंगे, आप लोग ज़रूर देखते रहिए नवी मुंबई आवाज़। ताशा कडाडला ढोल ही घुमला, हा ताशा कडाडला ढोल ही घुमला, सनई ने सूर धरला, सनई ने सूर धरला, आला 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 गणपती बाप्पा आला, चला जाऊ स्वागत आला, आला गणपती बाप्पा आला, चला जाऊ स्वागत आला, मनात उल्हास तनात आनंदाला येई भरती, अरे गुलाली रंगोनी भक्ती तंगोनी करू गणेशाची आरती, जल्लोष मनात उल्हास तनात आनंदाला येई भरती, झांज हा वाजला डप दुम दुमला, झांज हा वाजला टप दुम दुमला, श्रद्धेत सूर भिजला, श्रद्धेत सूर भिजला, आला 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 गणपती बाप्पा आला, चल जाऊ स्वागत आला, आला गणपती बाप्पा आला, चल जाऊ स्वागत आला, आला गणपती बाप्पा।
लय उधान असते तूफान गणेशाचे गुण गाती हो उर्मी ही अफाट नाचून भन्नाट देह भन सारे हरती लय उधान असते तूफान गणेशाचे गुण गाती मृदुंग वाजला टाळ ही गुंजला हा मृदुंग वाजला टाळ ही गुंजला सारा निसर्ग सजला हा सारा निसर्ग सजला अल्ला 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 गणपती बाप्पा आला चला जाऊ स्वागत आला अल्ला गणपती बाप्पा आला चला जाऊ स्वागत आला हर्षाने उर भरला हा हर्षाने उर भरला आला 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 गणपती बाप्पा आला चला जाऊ स्वागत आला आला गणपती बाप्पा आला चला जाऊ स्वागत आला गणेशोत्सवात बाप्पाचे घर बसल्या दर्शन घेण्याची व आरतीचा लाभ घेण्याची भाविकांना सुवर्ण संधी. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ सेक्टर 17 वाशीच्या नवसाला पावणाऱ्या महाराजाच्या आरती सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण पहा रोज रात्री 9 वाजता फक्त नवी मुंबई आवाजवर. आयोजक संस्थापक अध्यक्ष संपत शेवाळे.